आप सभी को मेरा सादर प्रणाम नमस्कार। आइए सपने कैसे उड़ान भरते हैं इस पर चंद पंक्तियों के द्वारा अपनी छोटी सी कविता प्रस्तुत करती हूँ जो मैंने लिखी है। हर सपना ख्वाहिशों के अंधकार में जन्म लेती है, हर सपना ख्वाहिशों के अंधकार में जन्म लेती है। कृष्ण ने भी अंधकार में जन्म लिया, कृष्ण ने भी अंधकार में जन्म लिया। हमारी ख्वाहिश भी हमारे दिल में, हमारे मस्तिष्क के अंधकारों में, हमारी तन्हाइयों में, हमारे अकेलेपन में जन्म लेती है। कोरोना ने कितने नए रिकॉर्ड बनाए होंगे, कोरोना ने कितने ख्वाहिशों को, नए विचारों को उधर किया है। 50 वर्षों से जो विचार अधूरे रह गए वो साकार हो गए, कोरोना ने उनको साकार कर दिखाया। बच्चे भी माँ के गर्भ में रहते हैं, माँ उसे अपने खून से सींचती है। कुदरत ने भी जब यही दिखाया, एक बीज को भी धरती माँ के अंधकारों में, गर्भगृह में जाना होता है, फिर वह संचित होकर एक लहलहाते वृक्ष की तरह बाहर रंग बिरंगी फल फूलों के साथ सजा हुआ हमारे बीच खिलखिलाता आता है। क्यों डरते हो सृजन से, क्यों डरते हो अंधकार से, कमल को ही देख लो, कीचड़ उसकी जननी है। हर विचार अपने मस्तिष्क में जन्म लेती है, पुनः उपरांत सिंचन के पश्चात एक सकारात्मक फल का प्रमाण देते हुए लोगों के बीच आती है। हर सपना अंधकार में ही जन्म लेता है, हर सपना अंधकार में ही जन्म लेता है। धन्यवाद।